से भरे जाते थे, या यूं कह सकते हैं कि आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को उन पदों पर नियुक्ति दी जाती थी। इसका दूसरा अर्थ ये निकाला सकते हैं हम कि उनको सरकारी कर्मचारी बनाया जाता है। लेकिन अब हमारी सरकार को आने के बाद में वो 25% पद दो को हमने एकदम बढ़ाया है और उनको हमने 50% पद किया है। मतलब तो आप ये अब कह रही हैं कि भाई कुछ एक आंगन का वाड़ी कार्यकर्ताओं को इन 50% पदों पर रखा जाएगा, लेकिन ये सबके लिए मान्य नहीं है। ये है, देखिए ये जो प्रक्रिया है हाँ उसमें जो योग्य है, जो बीए पास होगी, जिसको 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त होगा, वो 10 वर्ष अनुभव वाली और बीए वाली महिला, और बाकी उसमें मैं बता रही हूँ ना, तो जो 10 वर्ष वाली महिला है जिसने अनुभव प्राप्त कर लिया, और जो बीए है, क्योंकि सरकारी सेवा में आने के बाद में उसको आईसीडीएस की और जिम्मेदारी, कार्यकर्ता से ऊपर महिला सुपरवाइजर की जिम्मेदारी बढ़ने वाली, तो उस योग्यता को रखने वाली बहने, क्योंकि आज तो मतलब आंगनबाड़ी ये के तो आप ये कर्मचारी, मान रहे हैं कि भाई एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के जो ऊपर वुमन सुपरवाइजर होगी उसमें कार्यकर्ताओं के लिए एक वो जगह सरकारी सुनिश्चित नौकरी, करी वो जाएगी वो सरकारी नौकरी ही सर। है। लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं उनके लिए सरकार अभी ये कुछ ऐसा उनके नहीं लिए ही सोच है, रही ये है। उनके लिए ही है ना, ये जो 25% पद बढ़ाए हैं ये उनके लिए ही बढ़ाए हैं। पहले 25% थे, अब वो 50% हुए हैं, तो एकदम 25% बढ़ाए हैं। वो उनकी इस सबको डिमांड क्यों को नहीं बना देखते देते हुए हैं? बहुत तो काम करती हैं जी सरकार उनके का, उनके महिला बाल विकास विभाग आपकी, हेल्थ विभाग की, देखिए सारा कुछ करते हैं, सर्वे लेती हैं। पीछे तो टॉयलेट का सर्वे लिया, पता चला कि कई जगह ट्रेड डॉग्स का भी सर्वे ले रही हैं कि कितने ऐसे कुत्ते घूम रहे हैं। मैं बता रही हूँ आपको, सरकार की अभी अभी फिलहाल जो शौचालय के सर्वे की बात वो करती हैं, निश्चित रूप से शौचालय का सर्वे उनसे कराया, लेकिन उनको उसके लिए अतिरिक्त मानदेय दिया गया, उनकी लेकिन ये स्वेच्छा तो से वो काम करने आपकी दिया। यूनियन मिनिस्टर मेनका गांधी जी ने स्वयं कहा है कि हाँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मिसयूज किया जाता है, जो कार्य उनके नहीं है वो भी उनको दिए जाते हैं। बिल्कुल, ये तो और वो यही वो कहती है कि जी हम बच्चों को खान पान और ये सब देख रेख करेंगी, या मैं जाके शौचालय दे हाँ, लेंगी और तो ये गिनेंगी कितने कुत्ते सड़क पर घूम रहे हैं। स्वेच्छा, मैंने खुद ने ये बात कही है, हमारे चीफ सेक्रेटरी सर ने ये बात कही है कि जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं की सेवाएं हैं वो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं से ली जाएं, उसके अतिरिक्त उनको कोई काम नहीं दिया जाए, ये चीफ एक चीज मैं सेक्रेटरी के आपसे माध्यम से। जानना चाहूंगी मैडम, और जैसे यदि वो खुद देने के लिए इच्छुक है, स्वाभाविक रूप से वो देना चाहती है, तो उसके लिए उसको अलग से मानदेय दिया जाए, अलग से मानदेय दिया जाए, हाँ, क्योंकि वैसे तो इसमें इनका ध्यान। मानदेय बहुत कम है, शायद न्यूनतम जो दर है उससे भी कम बैठता है जाके। जब हम मानदेय की कीमत की बात करते हैं, तो मैं ये कहूंगी कि राजस्थान प्रदेश में, यदि हम राजस्थान से लगते हुए सारे प्रदेशों की बात करें, जिसमें हरियाणा है, वो भारत की यूपी बात कर है, लेते ना हाँ जी, हाँ लगते हुए क्षेत्रों की क्यों बात मैं कर रहे हो आप? आसपास की बात कर रही हूँ, मैं तो जो राजस्थान से लगते हुए क्षेत्र उन्हीं की बात करना चाहूंगी ना, तो उसमें यदि हम तुलना करें तो राजस्थान जो मानदेय दे रहा है वो बहुत अच्छा मानदेय उनको दे और रहा है। बाकी अगर प्रदेशों से लेकिन करें जो राजस्थान से नहीं लगते, हाँ नहीं, उसमें भी कई कई प्रदेश हैं, मेघालय, असम, अरुणाचल, उसमें भी मानदेय बहुत कम है। मैं तो राजस्थान से जुड़ते हुए प्रदेशों की बात कर रही हूँ, पर फिर भी यदि ये आगे काम करती हैं, अलग अलग से काम करती है, जैसे आशा है, यदि वो आशा जितने ज्यादा केसेस लेकर के जाती हैं तो उतना ज्यादा मानदेय उनको मिलता है, वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर। तो इस तरह से हमने आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं के लिए, एक तो माननीय सीएम साहब ने पिछले बजट घोषणा में ही उनका मानदेय बढ़ाया है, इस साल भी उनको मानदेय उनके वर्किंग के आधार पर बढ़ा है, कि यदि इंसेंटिव वो बेस कराया इंसेंटिव आपने बेस उसको। कराया है अन्य तो जी एक इंसेंटिव चीज उनको में मिलेगा, कि यदि वो इतना काम करेंगी तो उनको इतना इंसेंटिव उसको मैडम मिलेगा। एक बात आप मुझे बताओ कि ये तो चलो कुछ एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको ये चांस मिलेगा जो पढ़ी लिखी हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, जो अच्छा कार्य करें कि वो वुमेन सुपरवाइजर बन जाए, और जो बाकी हैं उनके लिए पेंशन योजना, उनके बच्चों के लिए देखिए उनको स्कॉलरशिप। उनके उनके लिए हमने 10,000 की बीमा कराई है, जो विभाग की ओर से कराई गई है, पेंशन और योजना, हाँ, और अब आने वाले समय में उनको अटल पेंशन योजना से जोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि कि अटल आपको पेंशन योजना का 2013 में कांग्रेस की सरकार ने इनकी पेंशन योजना और बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए ऑर्डर पास कर दिए थे। क्या हुआ उनका? सरकार बदलती है देखिए, तो बेनिफिट तो नहीं मिलने चाहिए ना जी। नहीं देखिए, किस सरकार ने क्या किया ये तो मैं नहीं कहना चाहती, यदि वो करते, यदि उनकी वास्तव में मंशा ऑर्डर थी, पास हो नहीं चुके नहीं थे मैडम। एक सेकेंड, हाँ, वही बात, कब पास हुए थे ऑर्डर ये आप पता कर लीजिए, यदि उनकी वास्तव में देने की इच्छा थी, स्वेच्छा थी, तो वो जैसे ही उनकी सरकार बनी 2008 में, 2009
जनवरी में, तभी वो ऑर्डर पास करते, पर उनको चूंकि चुनाव में जाना था, चुनाव में इनका फायदा लेना था, इसलिए चुनाव में जाने से उसका गजट नोटिफिकेशन भी नहीं कर पाए वो, तो इतनी जल्दबाजी आप कर लेते किया। हैं। तो मैं कह रही हूँ ना, ये बात तो आदमी की मंशा, हम यदि बात करें कि पिछली सरकार ने किया, पिछली सरकार ने ये किया, तो क्या किया पिछली सरकार ने, उनका मंतव्य भी तो समझो आपकी, पिछली सरकार ने किस मंतव्य से किया था, चुनाव के मंतव्य से किया था। लेकिन मैडम ये होता है कि अगर ऑर्डर पास हो गए और आके आपको उसको मैंने तो लागू गजट तो करना है। नोटिफिकेशन नहीं किया था अभी भी तो जी अटल किया पेंशन योजना आपकी सरकार को भी 4 साल हो गए ना, आप भी तो चुनावी तो साल में ही तो अभी डिसीजन ले रहे हो, नहीं, 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 आपकी भी नजर क्या चुनावों पर है? अटल नेताजी पेंशन योजना अभी नहीं है, अटल पेंशन योजना अभी लागू नहीं हुई है। अटल पेंशन योजना को अटल तो पेंशन लागू योजना का लाभ क्या इनको मिल रहा है? हाँ, जब हमने इनको नाम कैंप के माध्यम से ये जुड़े अटल पेंशन योजना से, वो हमने सर्कुलर जारी किया, हमने हर कैंप में इनको ये तो हम ये माने कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पेंशन मिलती है अटल पेंशन योजना के माध्यम से उनको हम जुड़वा रहे। बहुत अभी मैं ये नहीं कह सकती कि 100% जुड़ गई है, पर आप भी चुनावी साल में जुड़ जोड़ेंगी सारा? धीरे धीरे हम कर रहे हैं, जब से ये पेंशन योजना लागू हुई है तब से हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ एक जगह रह गई होंगी तो उनको भी हम जोड़ देंगे, मेरा ये कहना है। एक बहुत अच्छी पहल थी जी अपराजिता की, और उसके साथ साथ जैसे अब ये सखी केंद्र बन रहे हैं। ब्रेक के बाद मैं आपसे दो चीज जानूंगी, पहला तो ये कि अपराजिता जयपुर को 4 साल पूरे हुए, क्या इम्पैक्ट रहा, और दूसरा ये कि जी अब जो बहुत सारे सखी के सेंटर्स खुल रहे हैं वो केवल एक एक कमरा है जहां पे महिला का मेडिकल चेकअप भी होगा, काउंसलिंग भी होगी, और वो वहां पर रहेगी भी जब वो परेशान है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि बस हम ये कागजों में दिखाने के लिए एक हम ये खोल रहे हैं? एक कमरा ब्रेक का। के बाद, ब्रेक के बाद हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं आपकी बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अपराजिता जयपुर को 4 साल हुए, जो महिला पीड़ित है, परेशान है, वो कहां जाए? कई बारी अपने भी सहारा नहीं देते, मां बाप भी मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे में ही सरकार की यह पहल रही, 4 साल में क्या इम्पैक्ट रहा? आप तो मुझे पता है समय समय पर एक फीडबैक लेती रहती है। अपराजिता के बारे में ये कहूंगी कि मैं राजस्थान का ये बेस्ट मॉडल साबित हुआ है, और इसी को देख करके केंद्र सरकार ने सखी मॉडल लॉन्च किया है, जो पूरे हिंदुस्तान भर में अब जो सखी के नाम से खुल रहे हैं अपराजिता की तर्ज पर केंद्र। यहाँ अपराजिता ने जो काम किया है उसमें सबसे बड़ी सफलता ये हमें हासिल हुई है कि जो महिला अपराजिता तक पहुंच चुकी गई वो लास्ट एंड तक भी उसको हमने हैंड होल्डिंग की है, उसको न्याय दिलाया है, परिवार के लोगों की काउंसलिंग की है, और यदि वो काउंसलिंग में नहीं समझे हैं तो उसको कोर्ट तक पहुंचा करके कोर्ट से उनको न्याय दिलाया गया है। हजारों केसेस ऐसे हैं जिसमें कोर्ट से न्याय दिलाया, और एक बार समझाइश के बाद में पुनः, क्योंकि अनेकों बार ऐसा होता है कि एक बार महिला आई, उसकी समझाइश हो गई और फिर वो मामला खत्म हो गया, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। एक बार कोई महिला आई, उसको कोई परेशानी है और उसने उसका समाधान हो गया तो फिर वो केस बंद नहीं हो जाता, वो ट्रैकिंग लगातार चलती रहती है कि इस महिला को जीवन में और अंदर कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस, वही परेशानी वापस उभर करके ना आ गई हो, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस के नाते से ये अपराजिता यहाँ काम कर रहा है, जिसको सब लोगों ने अप्रिशिएट किया है। और मैडम सखी अपराजिता का बिल्कुल मैं मानती हूँ, क्योंकि बाहर के प्रदेशों से भी टीम आई है अपना यहाँ पे कार्य देखने के लिए। मैडम सखी के लिए एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाई सरकार खोलने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और ये नहीं देख रही है कि वहां पर क्या वाकई इतनी स्पेस है कि नहीं है, कि ढंग से 4-5 कमरे हों जिसमें काउंसलिंग, ठहरने की जगह और मेडिकल चेकअप और ये सारी चीजें हो जाएं। देखिए सखी बार का कॉन्सेप्ट ही यही है, सखी का कॉन्सेप्ट ही यही नहीं है, ये शिकायत निराधार है कि एक बिना सुविधाओं के उसको खोलने की जल्दबाजी की जा रही है। सखी का कॉन्सेप्ट है कि वहाँ मेडिकल की सुविधा हो, वहाँ आपको लीगल एड की सुविधा आपको मिल सके, वहाँ काउंसलिंग की सुविधा हो, वहाँ समझाइश की जरूरत, वहाँ जो है पुलिस के कॉन्स्टेबल्स भी हों ताकि उसकी कोई मारपीट कोई हुई है तो उसका तुरंत तो जितने सेंटर खुल रहे हैं वो सब 100% फिजिकल फिजिकल, और ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स में खुल रहे हैं, कोई प्राइवेट किसी का किराया लेकर के नहीं है, और ये स्थायी होने वाले हैं क्योंकि प्रत्येक बिल्डिंग में 4 से 5 कमरे सखी के लिए दिए। बिल्कुल बिल्कुल, 4 से 5 मिनिमम, 3 रूम्स हैं उसमें, मिनिमम से मिनिमम 3 अच्छा। रूम्स हैं, और उसमें जहां किराए पर, क्योंकि अभी ये आया है कि जहां आप तुरंत आपको यदि इंप्लीमेंट करना है तो आप किराए की बिल्डिंग दे करके उसमें संचालित कर दीजिए, लेकिन जब भी आपको लैंड अलॉटमेंट होता है तो उसके लिए 48
लाख रुपीस हमें मिला है उस, क्योंकि उसकी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन होने में टाइम लगता है, कोई भी बिल्डिंग तुरंत खड़ी नहीं होती ना, उसको वन ईयर तो कम से कम लगता है। तब तक इनको हम लोग किराए के में चला रहे ताकि महिलाओं को सुविधा तो एकदम मिलनी शुरू। बिल्कुल सही बात है, गांव में भी ये जगह जगह खुलेंगे? नहीं, ये 15 जगह अभी खुल रहे हैं। क्योंकि देखिए समय समय पर जब ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती है ना नीता जी, हमारा जी दुखता है, आपका भी बहुत दुखता होगा अभी तो, कि महिला तीन लड़कियों को लेके कुएं में कूद गई, महिला दो बेटियों और या दो बच्चों को लेके ट्रेन की पटरी पर कूद गई। तो अभी मैं आपको कहूंगी इसके लिए महिला सलाह सुरक्षा केंद्र हमारे संचालित हैं उनके लिए, जो महिला सलाह सुरक्षा केंद्र प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर संचालित है और वो मूवमेंट भी करते हैं पंचायत समितियों पर तक जाते अभी हैं, तक भरोसा नहीं बन पाया, लोग आते, महिलाएं कम आ रही हैं इनके पास, क्योंकि ऐसे नहीं दूसरे तीसरे दिन ऐसा नहीं है हजारों केस महिला सलाह सुरक्षा केंद्र पे भी आते हैं। और जो फीडबैक आया है गृह विभाग का भी जो फीडबैक आया है, जहां हम खुद भी फीडबैक लेते हैं, तो उनका भी ये ओपिनियन बनकर के आई है कि ये महिला सलाह सुरक्षा केंद्र बहुत मददगार साबित हुए हैं महिला से संबंधित। मतलब आप ये कहते हैं कि महिला इतनी प्रताड़ित हैं कि जितने केस आ रहे हैं अगर ये महिला सुरक्षा केंद्र नहीं होते सलाह केंद्र तो इससे भी ज्यादा आते हैं? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा कम की बात नहीं हूँ, ज्यादा कम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो ये कह रही हूँ कि ये महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। ये गृह विभाग की ओपिनियन है और पुलिस विभाग की भी ये ओपिनियन है कि महिलाओं के केसेस में जब महिला आती है और काउंसलिंग के लिए टाइम उसको मिलता है, परिवार के लोगों को बुलाते हैं, सारी बातचीत बैठ करके होती है, फिर उसकी ट्रैकिंग होती है, तो ऐसे केसेस में महिला सलाह सुरक्षा केंद्र मददगार साबित होते हैं, ये उनकी ओपिनियन है। मेरा मतलब मैम, फिर भी इतने केसेस क्यों आ रहे हैं मैडम, फिर भी हर बार, मतलब महिला आज भी सुरक्षित नहीं है, ये बात तो आप भी मानेंगे? देखिए, तो ये तो आज की स्थिति नहीं है, हमारी सामाजिक संरचना आज की नहीं है। मेरा ये सवाल भाजपा मंत्री से नहीं, 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 नहीं। अनीता जी, हाँ हाँ, मैं अनीता, महिला मेरी बहन से है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ। तो ये समस्या आज कोई खड़ी हुई नहीं है, समस्या नहीं है बिल्कुल। और चूंकि कानून बन, पहले तो कानून ही नहीं हुआ करते थे, चूंकि कानून बने हैं, कानून बने हैं इसलिए कानून के दायरे में वो समस्याएं आएंगी। अब पहले तो कहीं चिन्हित ही नहीं होता था कि कोई दहेज प्रताड़ित कोई महिला, ये कहीं चिन्हित ही नहीं होती थी क्योंकि दहेज के खिलाफ कानून ही नहीं था। पहले तो डायन प्रताड़ना विधेयक ही नहीं था इसलिए उसको कोई चिन्हित ही नहीं होता था कि ये भी अपराध हुआ है उसके खिलाफ। तो इस तरह से अब चूंकि वो चिन्हित होने लगे हैं, कानून के दायरे में आने लगे, इसलिए हमें संख्या पता पड़ रही है कि इतनी संख्या है। और अब संख्या पता पड़ रही है तो उनके समाधानों के लिए भी इस प्रकार से अपराजिता सखी सहायता हेल्पलाइन नंबर जो है आपका, इसी के साथ में जुड़ा हुआ प्रश्न, वेमेन हेल्पलाइन नंबर जो है आपका, वो बिल्कुल ठीक से संचालित है और आगे सुनवाई होती है उसका डाटा रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं आप, रेगुलरली चेक करती हैं? बिल्कुल, वो अभी तो नई डेडिकेटेड हेल्पलाइन शुरू हुई है जो 181 है। पहले हमारी महिला आयोग की हेल्पलाइन के माध्यम से उसको करता था, अब उसको इंटीग्रेटेड किया गया है और अलग से पूरी सेल बनाई गई है महिलाओं के इश्यूज जो आएंगे या उसके जो भी टेलीफोन पर कॉल आएगा उसको कैसे मॉनिटर करना, वो कंप्लीट एक सेल उसमें डेडिकेटेड सेल बना है। अनीता जी, मेरा अगला प्रश्न, बांसवाड़ा में 2 महीने में 90 शिशु मरे हैं, ठीक है, एमजी हॉस्पिटल में। हो सकता है कि आप ये कह दें कि भाई ये मेडिकल डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकती, लेकिन बहुत सारे उसमें जो शिशु हैं वो अंडरवेट थे, वो मैलनरिश थे, उनकी माएं मैलनरिश थी और अंडरवेट थी। कितनी स्कीम चलाती है आपकी सरकार इन चीजों को टैकल करने के लिए और उसके बावजूद 90 बच्चे 2 महीने में दम तोड़ देते हैं, तो कितनी कारगर है ये स्कीम? ब्रेक के बाद, ये जो आपने ब्रेक के बाद, अनीता जी हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद स्वागत। लिखा आया कि अब राजस्थान भी उत्तर प्रदेश बना, बांसवाड़ा गोरखपुर बना। बात गोरखपुर की या बांसवाड़ा की नहीं है, बात यह है कि जब तक हमारे देश में जो बच्चा पैदा होता है वो सुरक्षित नहीं है, उनके मां बाप को ये भरोसा नहीं है कि ये बच्चा अपना जिंदगी का कार्यकाल पूरा करेगा, तब तक हम ये जनसंख्या की लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहेंगे। ये एक चक्रव्यूह है जी, ये चलता रहेगा जब मां बाप को ये, और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि बांसवाड़ा में जो इतनी सारी डेथ्स हुई, ठीक है उनके अलग अलग कारण रहे होंगे, लेकिन आप भी मानेंगे ये आंकड़ा बहुत हाई है। ट्राइबल एरिया है और बहुत सारे बच्चे अंडरवेट थे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे बच्चे अंडरवेट थे।
जो बच्चे अंडरवेट थे वो अंडरवेट बच्चों को ही कुछ को चिन्हित करके एडमिट किया गया था ट्रीटमेंट के लिए, परंतु वो ट्रीटमेंट के लिए आए थे, डेथ के लिए तो नहीं आए थे। तो ये कॉज तो नहीं हो सकता कि भाई वो उसके कारण से उनकी डेथ हुई है, वो तो ट्रीटमेंट। तो कितनी स्कीम चलाते हैं आपकी सरकार, बड़े स्कीम्स जनाते होते हैं ना, महिला बाल विकास, पता नहीं 182-188, पता नहीं कितनी स्कीम है। मैं आपको बताऊं, पर ये बात कहना है, आंगनवाड़ी केंद्र कहां है आपका, वो न्यूट्रिशन आईसीडीएस स्कीम के सारे क्वेश्चंस कहां पर है मैडम? अंडरवेट नहीं थे, अंडरवेट नहीं थे। अभी आप कह रही थी ना आईसीडीएस की, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं का क्या, उनका क्या सुविधा है, क्या है, वो तो इतना सारा काम करती है। ये मैं कहना चाह रही हूँ कि ये काम, यदि अंडरवेट वो 100% बच्चे होते तो सबसे पहले अखबार में ये बात आती कि सारे बच्चे अंडरवेट थे, अंडरवेट बच्चे नहीं मैंने थे। मैंने कहा सारे, मैंने कहा बहुत सारे, बहुत सारे नहीं थे, बहुत सारे नहीं थे, उसमें से कुछ हो सकते हैं। अगर 90 में सकते से मैं कहती हूँ जी 25 भी थे तो 25 भी क्यों थे? आपकी सरकार इतनी स्कीम चलाती है, आप सपोजिटली प्रेगनेंसी से ट्रैक करना शुरू करते हैं, प्रेगनेंसी के लिए मेडिकल डिपार्टमेंट भी प्रेगनेंसी से ट्रैक करता है, सब लोग ट्रैक करते हैं। परंतु जब महिला अगर से खान पान में, उसको खान पान के लिए पोषण दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि आपको इन इन चीजों का सेवन करना है। पर मैं इतनी बात जरूर कहूंगी कि जो डेथ बांसवाड़ा में हुई वो अंडरवेट के कारण से नहीं हुई। पर फिर भी यदि आप कहती हैं तो इसकी जांच का विषय है, क्योंकि जांच हो जाएगी तो सब पता पड़ जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा कि कौन कितनी परेशानी में वहां था और किस कारण से डेथ हुई है। अनिता जी, आप एक चीज मानेंगे कि आज के दिन भी जब हम लोग राजस्थान की बात करते हैं तो बार बार जब चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह का जिक्र आता है तो क्योंकि ये तो जी बचपन भी छीन लेता है और उसके बाद आगे तक परिवार को खराब कर देता है। बहुत एफर्ट्स हो रहे हैं, मैं इस चीज को सबसे पहले मानती हूँ। हमारी जुडिशरी ने जो इस चीज का बीड़ा उठा रखा है उनको सलाम करती हूँ मैं, हमारे हाईकोर्ट को इस चीज के लिए। आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से क्या अब वो समय आ गया है कि डंडा बंद करके सिर्फ पॉजिटिव मोटिवेशन रहे? नहीं, ऐसा नहीं है, डंडा भी है और पॉजिटिव मोटिवेशन दोनों चीजें हैं। राजस्थान में बाल विवाह की समस्या बहुत गंभीर है, ये मैं स्वीकार करती हूँ। आपने इसके ऊपर जब पिछली बार वो तीन लड़कियों को बुलाकर एक दिन के लिए मंत्री बनाया था, जिसका जिक्र हमने पिछले इंटरव्यू में किया था, वो बहुत अच्छा कदम था, बिल्कुल। उसमें और क्या, और हमने हमने देखिए, चूंकि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर हमने यूनिसेफ और यूनेफपीए के सहयोग से एक साझा अभियान अभी तक लगातार चलाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सावे आएंगे तभी इसको चलाएंगे, अभी भी वो इम्प्लीमेंट है। अभी मैंने 3 अगस्त को ही राजसमंद से उसको लॉन्च किया है, तो राजसमंद पूरे ग्राम पंचायतों में, एक एक ग्राम पंचायत में वो जा रहा है। हमने इसके साथ में, चूंकि परिवार में ये समस्या आती है कि एक बेटी के साथ दूसरी बेटी की शादी कर दी जाए ताकि खर्चा कम हो, तो उसके नाते से भी सामूहिक विवाह अनुदान योजना में एक बहुत बड़ा काम हमने किया है। पहले रूल्स थोड़े से कठिन थे लेकिन अभी उनका सरलीकरण किया है और लगभग 16 करोड़ रुपए हमने इस स्कीम के तहत बांटे हैं इन 2 सालों में। तो मेरे को लगता है कि यदि सामूहिक विवाह की और अधिक से अधिक मोटिवेशन मिलेगा तो बाल विवाह की कमी तो आएगी, खर्चे वाला जो पॉइंट है वो दूर हो जाएगा। तीसरा, हमने बाल विवाह इतनी समझाइश हमने की है, मीडिया का भी इसमें बहुत अच्छा सहयोग रहा है और आईसी की एक्टिविटीज की है, वो वीसीज हमने बहुत सारी की हैं, नीचे ग्राम सेवक तक हमने वीसी की है और सभी सरकार के सब डिपार्टमेंट्स को इसमें इन्वॉल्व किया है। और उसके बावजूद भी जब कोई नहीं मानते हैं तो हमने दंडात्मक कार्यवाही भी की है। चित्तौड़ में, चित्तौड़ में हमने दंडात्मक कार्यवाही की है, भीलवाड़ा में हमने दंडात्मक कार्यवाही की है और उसका मैसेज पूरे राजस्थान में देने की कोशिश की है कि यदि आप इस तरह से करेंगे तो। एक मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि अब बच्चियां, इतना प्रचार प्रसार हुआ है कि अब बच्चियां स्वयं आ रही है। नागौर की एक बेटी ने सीधे मुझे फोन करके कहा कि मैम, हमारी शादी मेरे पापा कर रहे हैं, रुकवा दीजिए, मेरी 2 छोटी बहनें हैं, उनकी शादी मेरे साथ हो रही है, मैं नहीं चाहती कि उनकी शादी हो। सीधे मुझे फोन करके बताया, हमने वो शादी रुकवाई। इसी तरह से 2-3 जगह से और फोन आए कि मेरी शादी होने वाली है, मैं शादी नहीं करना चाहती। तो शिक्षा, मैं इसमें कहूंगी कि शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि जो प्रत्येक ग्राम पंचायत पर, पंचायत समिति पर हाई सेकेंडरी स्कूल्स खुले हैं तो अब बेटियां चाहती है कि कम से कम हम 12वीं तक तो। लेकिन मैम, इनका एक बहुत बड़ा सत्य आज ये भी है कि 15 से 17 साल की उम्र में राजस्थान का आज भी गर्ल्स आउट ऑफ स्कूल का हाईएस्ट रेट है।
इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा कटु सत्य यह है कि आज भी फीमेल फीटिसाइड इतना रैम्पेंट है राजस्थान में। अपने नेशनल हेल्थ मिशन के जो मिशन डायरेक्टर हैं नवीन जैन जी, मेरे ख्याल से हर रोज कोई ना कोई केस उनके हाथ आता है जहां पे उनका पूरा प्रयास रहता है कि हम अपनी बेटियां नहीं मारे, पर हम भी बड़े ढीठ हैं जी इस मामले में, अरे बेटियां तो मार के रहेंगे। देखिए ये सरकारी स्कीम और ये प्रश्न मेरा केवल उस मंत्री से नहीं है जी, मेरा प्रश्न है कि आखिर कैसे बदलेगी जी ये मानसिकता, किस तरीके ये से मानसिकता तो लोगों को ही बदलनी होगी है ना। और उसके लिए सरकार जितने एफर्ट्स कर रही है, चाहे मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा है, चाहे महिला बाल विकास विभाग कर रहा है, चाहे शिक्षा विभाग कर रहा है, कि बेटियों के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं। सुकन्या समृद्धि योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजश्री योजना लेके आए मोटिवेशन के लिए, 50,000 रुपया आप बेटी को किसी भी तरह से बोझ ना समझें, तो यही इन्हीं के माध्यम से सरकार कर सकती है। मंत्री जी बस हमारा समय खत्म हो गया, मैं चलते चलते, आपके कार्यकाल का करीब करीब अब 1 साल है जी, इससे पहले आचार संहिता लग जाए, कोई नई स्कीम दिमाग में है या यही रहेगा कि जो इतनी सारी स्कीम्स हैं हम इनको और भी अच्छी तरीके से लागू करें और जहां तक इसका लाभ नहीं पहुंचा है वहां लाभ पहुंचे, या नई स्कीम देखेंगे? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं तो इतना ही कहूंगी कि हमारी जितनी स्कीम्स हैं वो आम आदमी तक पहुंचे, पहला तो हमारा ये प्रयास रहता है, आम आदमी उसका लाभ उठाए, उसकी जानकारी उस आम आदमी तक पहुंच जाए, सुनिश्चित हो जाए, उसकी ही हमारी कोशिश है पहली बात। दूसरी नई योजना लाने वाली बात है, तो नई योजनाएं हमारी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना आई है, मातृत्व योजना जो आई है, जो अभी आपने एक सवाल खड़ा किया था कि बेटियों की कन्या भ्रूण हत्या के बारे में, तो वो माताओं को सुरक्षित मात्रा तो मिल सके, उसके लिए भी जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया वो स्कीम अभी हम लॉन्च करने जा रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से। तो नई स्कीम तो आती रहती हैं और वो नई स्कीम्स के नई नई आवश्यकताएं, पर फोकस इस पर रहेगा कि जो पुरानी जो स्कीम्स है ये अच्छे से लागू, अच्छे से लागू कर और सबको लाभ मिले, सबको लाभ मिले। बिल्कुल जी, और हमारी बेटियां सुरक्षित रहे। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी, आप हमारे कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए, थैंक यू। तो ये थी जी आपकी बात हमारे माननीय मंत्री अनीता बघेल जी के साथ, मैं आपके बीच होंगी जी हाँ रविवार को, तब तक जय हिंद। डीडी फ्री डिश के दर्शकों से अपील, अगर आप डीडी फ्री डिश पर हमारा चैनल देख रहे हैं तो अपने सेट टॉप बॉक्स को तुरंत ऑटो स्कैन कीजिए। सेट टॉप बॉक्स को ऑटो स्कैन करने के विकल्प, रिमोट के मेन्यू पर जाकर फैक्ट्री रीसेट करें, इसके बाद ऑटो स्कैन करें, हमारे चैनल देख पाएंगे, अथवा फैक्ट्री रीसेट करने के बाद सिंबल रेट 3000, फ्रीक्वेंसी 03310 या 03812 या 03432 या 03392 या 03312 डालें और ऑटो स्कैन करें, हमारे चैनल देख पाएंगे। जी राजस्थान न्यूज, खबरों में दम, सबसे आगे हम।